तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब निघी गोदी गुरु प्यारे शास्त्र फतेह साहब करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्रधान साहब ने सारिया गल्लां संगत नाल सांझी कर दियां, जिथे कीर्तन समागम की प्रवानगियां, जिथे होर कई गल्लां होईयां। मैं जिवें कि प्रधान साहब ने कहा कि सानूं लोड़ है कि असी हुण सरकार दे विच भी साडा अपना हक होवे, सरकार चलाण दे विच भी साडा होल्ड होवे। सो मैं बड़ू साहब नूं बेनती करांगा, इन्हां दी ट्रस्ट नूं, कि जिथे तुसीं इन्ने इंस्टीट्यूशन बनाए ने, जिथे तुसीं PhD करा रहे हो, डॉक्टरी करा रहे हो, मेरी बेनती है कि एक IAS ते एक IPS वास्ते जिवें होर धर्मां ने अपने 500 बच्चे अडोप्ट कीते ने, सिख धर्म के बच्चे भी बड़ू साहब अडोप्ट करे और स्पैशली उन्होंने IAS ते IPS की एजुकेशन देवे। जो भी साडा सहयोग चाहिए होगा, प्रधान साहब इत्थे बैठे है, उन्होंने रहन का प्रबंध, उन्होंने लंगर का प्रबंध वो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी करेगी, वह एजुकेशन का जो प्रबंध है, ताकि आने वाले समय के जे सरकार दे विच साडा होल्ड होएगा, जे सरकार साडे बच्चे IAS ते IPS होणगे, ते सानू दुबारा कदी 84 वेखणी नहीं पएगी। मैनू लगदा कि हुण समय दी लोड़ है कि साडे बच्चे IPS ते IAS बनन, ताकि सरकार दे विच वी साडा हिस्सा होवे, ताकि सरकार भी असी चला सकीए। और ये जिहड़ा एक कंसैप्ट जिहड़ा अज प्रधानता ने दस्सिया है कि जे USA नूं यहूदी चला सकदे आ, तो फिर हिंदुस्तान को सिख क्यों नहीं चला सकते। ये अपने बच्चों प्रेरित करिए कि तुसी IAS का एग्जाम देना, तुसी IAS का एग्जाम देना। अगे गुरु साहब बैठे है, कृपा करेंगे, इन बेनतियां प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।